सर उत्तर सिंह वाली मेरे पास आज आठवां सीता महोत्सव जिला रेवाड़ी में बड़ी धूमधाम से उसके अंदर वाल्मीकि जनकल्याण सभा और समाज के लोगों ने अच्छी संख्या में भाग लिया और भगवान वाल्मीकि की रथ यात्रा निकाल गया। इस शोभा यात्रा के अंदर चार चांद लगा और गीता महोत्सव के ऊपर अन्य संस्थाओं के लोगों ने भी शहर में जगह जगह सभी झांकियों का भव्य स्वागत किया, फूल माला से करा, लोगों ने प्रसाद भी वितरण कराए और इस प्रकार के कार्यक्रम से आज पूरा शहर में बड़ा हर और उल्लास के साथ ये गीता महोत्सव मनाया गया। इस प्रकार के कार्यक्रम जो हर वर्ष सरकार की ओर से जारी है, इसके अंदर ये एक सामाजिक कार्यक्रम है और धार्मिक कार्यक्रम के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहा है, देश के लिए बहुत ही शुभ संदेश और बहुत अच्छा इसका मैसेज है कि आज भारत के अंदर जो भारत की संस्कृति लुप्त हो गई थी वो आज के दिन फिर से जाकर पूरे देश और विश्व के अंदर सामने आ रही है, इससे बड़ी कुछ नहीं।
कर देंगे। कल और आज दोनों दिन हमने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का सेलिब्रेशन किया और जैसे हर साल की बात इस साल भी रेवाड़ी में बड़े धूमधाम से इसका आयोजन किया गया। और जैसे आपने देखा कि अभी शोभा यात्रा नगर शोभा यात्रा निकली और उसमें भी विभिन्न संस्थाएं हैं, स्कूल्स हैं और अलग अलग धर्म संस्था है, उन्होंने इसमें सहभाग लिया है। तो एक बहुत बढ़िया माहौल बना है और जो गीता का संदेश है वो हर जनमानस तक पहुंचाने की यह एक कोशिश है। सर एक समाज को ना लोगों के लिए यही मैसेज है जी कि गीता सार जो है वो यही है कि आप अच्छे कर्म करो और जो वर्क इज वर्शिप मतलब कर्म करो तो अच्छे फल मिलेंगे आपको। तो यही एक संदेश है सभी लोगों। सर एक बलात्कार की अगर इस तरह से प्रसार होता रहेगा तो बच्चे क्या सीखेंगे? मेरे हिसाब से जो संस्था है वो एक सामाजिक संस्था है और वो अच्छे काम भी करती है, तो उस हिसाब से स्टॉल का आवंटन किया गया। लेकिन सर वो फोटो क्यों लगाई गई? वो अगर फोटो है तो वो हटवा देते हैं। इतना तो दो दिन हो गए पूरा जितना हो गया, तो पहले प्रशासन कहाँ गया था? कोई नहीं इस पर सर, पहले दो साल पहले भी विवाद हुआ था इसको लेकर। अच्छा, प्रशासन फिर भी नहीं सीखा? कोई नहीं, ऐसे कैसे बच्चे सीखेंगे सर? क्या बिल्कुल जाँच करेंगे और जो भी उसमें उचित कार्रवाई। सर जो जो स्टॉल लगाने वाले थे उनको कार्रवाई हो जी? उसमें देखेंगे कि क्या बनता है और उस हिसाब से होता है वो। थैंक यू।